बनारस विश्व के प्राचीनतम शहरों में से आता है। अपने आप में ये इतिहास को समेटे हुए है। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस इलाके को शिवाला क्रिमकुंड कहते हैं और ज्यादातर यहाँ मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इसी गली में एक बहुत ही प्राचीनतम मंदिर मौजूद है जिसका नाम है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। विश्व के सबसे प्राचीन शहर काशी में रविंद्रपुरी के शिवाला क्रीम कुंड में स्थित भगवान सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर न सिर्फ यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल भी है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में होने के बाद भी ये मंदिर अपनी पहचान बनाए हुए है। प्रभु का इतना कृपा है, इतना शक्ति है माँ भगवती माँ की जी, सब लोग मुझे बहुत इज्जत करते हैं, मुसलमान से लेकर हिंदू से लेकर वो लोग साथ देते हैं आपका यहाँ के रख रखाव करने में। हाँ, साथ देते हैं। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के समय में इस मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद यहाँ सिर्फ मंदिर का अवशेष ही बचा था, लेकिन कुछ समाज सेवकों की मदद से इसे दोबारा पूजा करने लायक बनाया गया। खास बात यह है कि इसमें भी इलाके के मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यही असली बनारस है जहां हिंदू और मुस्लिम इस तरह से रहते हैं जैसे गंगा और जमुना कहां जाकर मिल जाती है, कहां उनका संगम हो जाता है ये पता नहीं चलता। भावना सभी की एक है, चाहे कोई हिंदू यहां आए या फिर कोई मुस्लिम यहां से गुजरे, उसके अंदर भावना यही होती है कि इस बनारस में ऐसा ही प्यार बना रहे, ऐसी ही शांति बनी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अभिलाषा पाठक, APN के लिए।